हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो। मैं हूं दीपक और आपके अपने चैनल डीके राइडर में स्वागत है। आपके सामने प्रेजेंट है टीवीएस की एक्सएल 100 हैवी ड्यूटी और ये जो मोपेड है ये आपको E20 पेट्रोल के साथ में देखने को मिलेगी। मतलब आपको 2023 का सबसे लेटेस्ट मॉडल E20 OBD2 सेंसर के साथ में ये बाइक आपको देखने को मिलने वाली। तो आज हम इसके बारे में फुल रिव्यू करेंगे, इसमें और कौन कौन से नए चेंजेस किए गए हैं और क्या नया अपडेट इस E20 बाइक में किया गया है, सॉरी मोपेड में, तो इसके बारे में हम फुल रिव्यू करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो बात करेंगे हम इसके फ्रंट से। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं आपको जैसे पहले मिलता था सेम लुक आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको मीटर कंट्रोल, राउंड हेडलैम्प और हाइलोजन के साथ में इसका हेडलैम्प मिल जाएगा। यहाँ पर इसके बल्ब मिल जाएंगे और टर्न इंडिकेटर आपको फ्लेक्सिबल मिल जाएंगे, ये आपको येलो कलर के मिलेंगे। और यहाँ पर आपको जो बल्ब मिलने वाला है आपको देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको बल्ब मिलेगा। नीचे आपको DRL मिल जाएंगे, DRL आपको इग्निशन ऑन करने पर इसके DRL ऑन नहीं होंगे। फ्रंट में आपको सस्पेंशन मिल जाएंगे टेलीस्कोपिक, फ्रंट का मडगार्ड है आपको मेटल का मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बीडिंग देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी लगती है इस मोपेड में। और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलेगा, जो रिफ्लेक्टर पर यहाँ पर आप जो कलर देख रहे हैं ये आपको ग्रे कलर मिल जाएगा, काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें रालको के टायर देखने को मिल जाते हैं। ये TVS की सबसे कम कीमत की मोपेड है और इसका जो साइज़ है मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर इसके जो टायर साइज़ है और ये स्पोक व्हील में आपको देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पर आपको 110 mm की ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगी SBT टेक्नोलॉजी के साथ में। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसका सपोर्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके टायर हैं 250/16 का मिल जाएगा। तो इसमें आपको ट्यूबलेस टायर देखने को नहीं मिलता, इसमें आपको ट्यूब वाले टायर मिल जाते हैं और इसमें आपको स्पोक व्हील देखने को मिल जाता है। काफ़ी हैवी ड्यूटी आपको ये स्पोक व्हील देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको ब्रेक के वायर मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको मीटर की वायर देखने को मिलने वाली। अभी हम बात करें अगर हम इसके हैंडल बार की, तो यहाँ पर आपको हैंडल बार पहले जैसा ही देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं लीवर आपको देखने को मिल जाएगी, SBT टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ब्रेक कुछ आपको ऐसा काम करेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ जो इसका रियर का ब्रेक है, ये आप रियर ब्रेक प्रेस करेंगे तो फ्रंट ब्रेक भी साथ में अप्लाई हो जाती है। यहाँ पर आपको फ्रंट ब्रेक देखने को मिल जाएगी, एक्सलेशन मिल जाएगा। बात करें अगर फीचर बटन की, तो यहाँ पर आपको ये इसमें आपको मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी ग्रिप मिल जाएगी। यहाँ पर आपको हेडलाइट ऑफ ऑन करने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर हाई बीम लो बीम के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर हेडलाइट ऑफ ऑन करने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे, नीचे आपको इसका हॉर्न देखने को मिलेगा। दूसरे साइड में आपको इस मोपेड में आपको किल स्विच भी मिलता है जो कि आपको इसकी बड़ी बाइकों में नहीं मिलता। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये TVS की रेडर है, इसमें आपको किल स्विच नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको मोपेड में किल स्विच देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको जो मीटर कंट्रोल है बिल्कुल आपको सिंपल सा देखने को मिल जाएगा। मैं आपको सबसे पहले इसकी चाबी दिखा दूँ, तो चाबी आप देख सकते हैं कुछ ऐसी मिलेगी, TVS का लोगो देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको TVS की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। और इसमें आपको नॉर्मल से फीचर देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको लो फ्यूल इंडिकेटर, वार्निंग लाइट, और इसे ऑन कर देता हूँ तो इंजन चेक, हाई बीम और टर्न इंडिकेटर मिल जाएंगे, स्पीडोमीटर टैकोमीटर भी आपको मिल जाएगी। मतलब आपको फीचर बेसिक से देखने को मिलेंगे। फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें आपको 4 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा और ये आपको मोपेड आपको मिल जाएगी फुल ब्लैक कलर में। यहाँ पर आपको ग्राफिक्स वर्क भी देखने को मिलेगा, TVS की ब्रांडिंग मिल जाएगी। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर XL 100 हैवी ड्यूटी भी आपको ग्राफिक्स के साथ में मेंशन किया गया है। फ्यूल टैंक में आपको 4 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी और यहाँ पर आप देखेंगे तो E20 का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड भी आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है और ETFI की ब्रांडिंग भी आपको इसमें मिल जाएगी। साथ में अगर बात करें इस मोपेड के इंजन की, तो इसका जो इंजन मिलने वाला है ये आपको मिल जाएगा 97.2 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक BS6 OBD2 सेंसर के साथ में। इसमें आपको जो सबसे बड़ा अपडेट किया गया है OBD2 सेंसर इसमें अपग्रेड कर दिया गया है। फुटरेस्ट आपको वैसे ही मिलते हैं, यहाँ पर आपको सेल्फ और किक दोनों ही मिल जाएंगी। एग्जस्ट की बात करें तो फुल ब्लैक कलर के साथ में ब्लैक कलर का मफलर भी आपको देखने को मिलेगा। सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाते हैं काफ़ी बढ़िया से, शॉक ऑब्जर्वर मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टायर प्रेशर मेंशन किया गया है, आप इसे वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। साथ में अगर मैं बात करूँ इसके सीट कंफर्ट की, तो सीट कंफर्ट आपको ठीक ठाक मिलने वाला है और यहाँ पर आपको 2 स्टेप में सीट देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपको स्प्लिट सीट मिलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरी हुक भी आपको मिल जाएगा। रियर की बात करें तो यहाँ पर आपको जो टायर है ये आपको रालको का, इसमें भी आपको टायर मिलेगा। साथ में मैं आपको इसका जो साइज़ बता दूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं
सेम टायर मिलेगा, 2/50/16 का टायर देखने को मिलेगा स्पोक व्हील के साथ में, 110 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाएगी। तो ब्रेक आपको काफ़ी बढ़िया होने वाली है। रियर से बात कर रहे हैं अगर, तो इसमें आपको ग्रैबरेल कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। टेल लैंप आपको कुछ बॉक्स नुमा देखने को मिलेगी। नीचे यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाएगा इसके बैक टेल लैंप में। साथ में यहाँ पर आप नंबर प्लेट इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर हैं, फ्लेक्सिबल मिल जाते हैं। नीचे आपको रिफ्लेक्टर फिर भी देखने को मिल जाएगा जो स्पेशली मोपेड के लिए है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो TVS XL 100 HD मिल जाएगा और आई टच स्टार्ट OBD2 ए ब्लैक, मतलब यहाँ पर आपको OBD2 सेंसर के साथ में ब्लैक कलर का ये मॉडल है। और यहाँ पर TVS XL 100 हैवी ड्यूटी आई टच वाला मॉडल है, इसमें आपको देखने को ये मिल रहा है। अगर हम बात करें इसके यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको साइड गार्ड भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो इसके फुटरेस्ट हैं ये आपको इंस्टॉल करके मिलेंगे। साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर, मेन स्टैंड भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं आई टच स्टार्ट भी मिल जाएगा। इंजन में आप देख सकते हैं TVS की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे जो सेंसर हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो मोपेड है, ये मोपेड आपको काफ़ी अच्छे प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलने वाली है। करें अगर हम इसके प्राइस की, तो इसका जो ऑन रोड प्राइस होने वाला है ये 59,800 में आपको देखने को मिल जाएगी। ये मोपेड आपको उपलब्ध होगी आकांक्षा TVS गोपाल नगर, GT रोड, नवोबाग, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश में। यहाँ से आप TVS की किसी भी बाइक, स्कूटर या मोपेड को आप परचेज कर सकते हैं। तो ये मोपेड आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके फीचर आपको कैसे लगे। और इसमें जो अपडेट है मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको E20 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि सबसे बड़ा इसका अपडेट है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, तो यहाँ पर इसमें लॉक भी दिया गया है, और इसका जो लॉक है यहाँ से आप इसे लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ से ये मोपेड लॉक हो गई और इससे हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो इसमें ये फीचर आपको देखने को मिल जाता है। आपको ये TVS XL 100 कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।